दोस्तों, सुबह सवेरे की संगीत की बैठक में आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान की सुपुत्री शास्त्रीय गायिका जिला खान। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनका गाना सुनते हैं। जिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदाब भैया और आदाब आप सबको। अच्छा, ये बताइए जिला जी कि इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है उस्ताद विलायत खान साहब का, तो कितना मुश्किल और कितना आसान होता है अपने लिए मकाम बनाना? सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े जीनियस की बेटी हूँ। बहुत 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 मैंने अच्छे कोई कर्म किए होंगे जो ऐसे शख्स की घर जन्म लिया है। म्यूजिकली डिमांड्स बड़े मुश्किल होते हैं लोगों के, लेकिन आई एम स्टिल फॉर्चुनेट। मुझे तब भी चाहे एक्सपेक्टेशन लोगों के कुछ भी हों मुझसे, हो ना हो कुछ भी, कि भाई म्यूजिकली बहुत ही कुछ डिमांडिंग रहता है, है बहुत है मालूम है मुझे, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे वो है कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया। वाकई में बड़ी खुशी है, बड़ी नसीब की बात है। बिल्कुल। तो आपने सितार को क्यों नहीं चुना? सितार मैंने बजाया, 12 साल की उम्र तक सितार ही बजाती थी। अच्छा। गाना तो हम लोग ऐसे भी सीखते थे, बंदिशें वगैरह, तो सितार मैंने बजाया था, लेकिन 12 साल की उम्र में फिर मैंने डिसीशन, कॉन्शियसली डिसीशन लिया कि अब गाना गाएंगे और सिर्फ गाना गाएंगे और भरपूर तरीके से गाना गाएंगे। अच्छा जिला जी, ये बताइए कि उस्ताद विलायत खान साहब आपके अब्बू भी हैं, आपके गुरु भी हैं जी, तो कितना फ़र्क महसूस करती हैं वो? ये हमारा रिश्ता अब्बा के साथ में, ख़ास तौर से मेरा जी, पैरेलल ही चला।
हमेशा, और ये कुदरती बन गया. ये कभी हम लोगों ने वो एक कॉन्शियसली कुछ नहीं था. सिर्फ अब्बा तो अब्बा ही थे, बे इंतहा लाड़. ये गोद की जो जगह है, ये वो मेरी जगह थी कि जिला की जगह ये है, और मैं यहीं बैठती थी उनकी. और बहुत ही अब्बा ने लाड़ और प्यार और मोहब्बत और हर चीज, बे इंतहा मोहब्बत. यानी हमारे खानदान में कुछ लोग अभी आज भी बैठे हैं यहाँ पर हम लोग के स्टूडियो में, जो खानदान के हैं. वो खानदान में सब लोग कहते थे मिए, मेरे अब्बा को मिए बुलाते थे सब. कहते थे मिए तो अपने बच्चों पे एकदम फिदा है भाई, उसके सामने तो बच्चों के सामने वो कुछ नहीं देखते. यानी ऐसा था. बिल्कुल. तो हाँ, वो चला. लेकिन मेरे साथ कुदरती, मेरा ख्याल एक मेरी बात थी और कुछ एक घर की सभ्यता थी. लेकिन हैज टू बी मी ऑल्सो बिकॉज इट डिडंट हैपन विद द अदर चिल्ड्रन. एक पैरेलल चीज चली, वो गुरु और उस्ताद की. मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊँ आपको, जब आपने पूछ लिया तो, कि एक दिन हम 9-10 साल के थे, जितना साल का ये मेरा बच्चा यहाँ बैठा है फैज़ान, 10 साल का, इतने ही साल के हम भी थे. तो वो एकदम से कुछ नोक झोंक हो जाती है बाप बेटी की, भाई हम नहीं बात करेंगे, आपने हमें ये नहीं दिया या वो नहीं दिया. तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, हम भी नहीं बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा. अच्छा भाई ठीक है. तो हम बात नहीं कर रहे थे. लेकिन खाना खाने के बाद दोपहर को, जैसे रोज हम लोग की आदत थी, हम तीनों बड़े बहन भाइयों की आदत थी कि जाके उनके एक कमर पे, एक पीठ पे और एक पैर पे रोज उनकी खिदमत दोपहर को होती होती थी आफ्टर लंच. तो वो उस पे हम, उस दिन हम चले गए, बहन भाई उस दिन नहीं थे, तो हम चले गए और भूसे लगाने लगे उनकी पीठ पे, जिस तरीके से खिदमत करते हैं उनकी. तो एकदम पीछे मुड़े और कहने लगे तू क्यों आई, बिकॉज वी वर नॉट सपोज बी टॉकिंग, आई वाज 10 इयर्स ओल्ड. कोई लाड़ था, वो चल रहा था. कहेंगे तू क्यों आई. मैंने कहा नहीं, वो तो आप हमारे अब्बा हैं, वो तो इसलिए मैं बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे उस्ताद भी तो हैं. क्या बात है, अल्लाह की कसम. और ये बात का इल्म और इस चीज़ की कॉन्शियसनेस कि ये कितनी बड़ी बात है, मुझे तो होश भी नहीं थी. मेरे अब्बा ने, एक प्रभुदा भगत हैं, देखिए मैं टीवी पे हूँ, ऐसा तो कोई घर की छुपी हुई बात नहीं है. प्रभुदा भगत जुहू में रहती हैं, बॉम्बे में. तो अब्बा ने ये बात प्रभुदा आंटी को बताई काफ़ी दिन बाद, और प्रभुदा आंटी के ज़रिए मुझे वो कि एक लड़की, क्या लड़की है, उन्होंने कहा कि ये मेरी बच्ची तो है, लेकिन ये एक नायाब, क्या लड़की है कि इसने ये चीज इसके जहन में चल रही है. बहुत ही छोटी सी उम्र में ही आपको मालूम था गुरु ये हैं, पिता ये हैं. अच्छा जिला जी, आपके जब संगीत इतना पसंद था आपको, तो इतना समय क्यों लगाया आपने पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए. भाई इसलिए कि हम लोग के यहाँ औरतें पहले गाना बजाना बाहर नहीं करती थी. अच्छा जिला जी, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको खूब मनाया कि आप गाइए. मेरे शौहर सबसे पहले तो, माय हस्बैंड, ओह माय गुडनेस मी, खालिद अनवर डॉक्टर हैं हमारे शौहर, उन्होंने कहा. और वेल विशर्स कुछ हैं, और कुछ ये जो म्यूजिक में, म्यूजिक दां जो हैं, जो म्यूजिक करते हैं, आर्टिस्ट्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं, और कुछ रिकॉर्डिस्ट हैं, आर्ट कराट वाले हैं अभी, जिन्होंने मेरी सीडी रिलीज वगैरह भी कर ली. तो वो लोग भी, इन लोग ने ही तो कहा कि भाई तुम क्यों ये चीजें सिर्फ घर पे गाती हो और सिर्फ अपने लिए. मैंने कहा हमने अपने लिए सीखा और अपने लिए गाती हूँ, और अपने लिए ही सकेंगे कि यू मस्ट सिंग आउट एंड प्लीज डू सिंग आउट. और जिला जी बातें चलती रहेंगी, आपसे एक ठुमरी हो जाए. अच्छा चलिए, हम आपको एक ठुमरी नहीं, लोग ये कहते हैं देखिए, और इसको काटना नहीं, प्लीज एडिट नहीं करना इसको, कि जिला ने क्या ध्रुपद धमार सीखा भी है कि नहीं सीखा है, लोग पूछते हैं. तो उन लोगों को ये जानना चाहिए कि जिस बाप की बेटी हूँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, जिनसे तालीम मैंने ली है, कभी ऐसा हो सकता है कि उनको ध्रुपद धमार ना आता हो या ना सिखाया हो उन्होंने अपने शागिर्दों को? ऐसा नहीं हो सकता. लाइए आपको मैं एक ध्रुपद सुना दूं, मुख्तसर करके सुनाऊं. वैसे तो मैं सारी रात ध्रुपद गा सकती हूं. और काटना नहीं, इस एडिट मत करना इस चीज को, ये भी बहुत जरूरी चीज है हम लोगों के ट्रेडिशन के वास्ते. एक मेरे अब्बा को सिखाई, और अब्बा ने मुझे बताया है कि उस्ताद दबीर खान साहब होते थे. उस्ताद दबीर खान साहब की ये ध्रुपद उस्ताद दबीर खान साहब से सीखी अब्बा ने. हमारे अब्बा ने उस्ताद दबीर खान साहब से ये ध्रुपद सीखी, और निरी भैरवी में है.
शुद्ध भैरवी में है। सुनिए प्लीज, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मेरे बुजुर्गों की देन है, ये वो सुनाने जा रही हूं। ए जो जिला जी, आप अपने खानदान की सातवीं पीढ़ी से हैं, बागडोर अब आपके हाथ में है, तो क्या प्रयास हैं आपके अपने तरफ से कि आप इसको बरकरार रखें? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मेरी इज्जत रखे और मेरे बुजुर्गों की इज्जत रखे और उतनी ही शोहरत दे मुझे, बस जितनी में मैं इज्जत से अपने शोहर के साथ, बच्चे के साथ मजे में मगन रह सकूँ जिंदगी भर म्यूजिक करते हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो माशाल्लाह सभी संभाल रहे हैं, हमारे घर के इतने चिराग हैं, इतने घर के चिराग फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान और बाहर और जगह। अभी नाम लेने बैठूं हम लोग के घर में कितने म्यूजिशंस हैं तो फिर आप लोग के 15 मिनट ही ख़त्म हो जाएंगे माशाल्लाह। तो वो बागडोर उन लोग के हाथ में, हमारे में तो ये है कि मुझ में रूह ढूंढिएगा हमेशा, परफेक्शन में ढूंढिएगा। आगे चलाने की बात तो ये है कि ये वो तो मेरा बच्चा भी सीख रहा है, वो भी गाना भी गा रहा है, सितार भी बजा रहा है माशाल्लाह, मेरा अब्बा से सीखता भी है। क्या बात है। जिला जी, हमें लगता है कि हम आपको एक बार और कहें तो आप शायद ठुमरी गा ही दें, तो हम चाहेंगे एक ठुमरी भी आप हमें सुना दें। अच्छा, और अगर मैं आपको एक मेरी कॉम्पोजिशन की नज्म सुनाऊं तो? वो भी सुनेंगे हम, वो ही सुन लीजिए फिलहाल। मेरी कंपोज की हुई है, इसे भी काटना नहीं भैया, मेरी कंपोज की हुई है और एक एक तरीका अपना भी एक कंपोजिशन का एक तरीका होता है, उसमें भी मेरी उतनी बड़ाई नहीं है, बड़ाई वो है
उन लोगों की है जिन लोगों ने रूह फूंकी है मुझ में. मेरे अब्बा हैं अमीर खान साहब की मैं सुन सुन के, हम बड़े गुलाम अली खान साहब का सुन सुन के बड़े हुए हैं. ये जो सब चीज़ें हैं बड़े बड़े आर्टिस्टों को सुन के, हम लोग अब्बा हमारे बड़ा सुनवाते थे कि बड़े बड़े आर्टिस्टों को सुनिए. और मेरी जो नई सीडी निकल रही है उसमें भी कुछ चीज़ें, उसमें एक दूसरी नज़्म है मेरी, वो भी मेरी कंपोजिशन है. आज आपको एक दूसरी नज़्म सुना जो मेरी कंपोजिशन है, उसको मैंने कंपोज किया है, ज़रा सच कहो तुम कहाँ थी अभी. सच कहो तुम कहाँ थी अभी, सिर्फ आँखों ने देखा तुम्हें, दिल ने जाना नहीं. सच कहो तुम कहाँ जी. अब एक सच हम भी कहेंगे, हमने आपसे बातें की, आपका गाना सुना, हमें भी बहुत अच्छा लगा. आप सुबह सवेरे की हमारी इस बैठक में आई, आपका बेहद शुक्रिया. बहुत बहुत भैया, बहुत बहुत शुक्रिया. एक चीज और कहना, लोगों से मत भूलिएगा कि बहुत पहली दफा डर डर के एक सीडी लॉन्च की है आर्ट कराट वालों ने, और बहुत आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद आर्ट कराट बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड माय सीडी एंड वेरी ब्यूटिफुली, जिसमें अलग अलग तरीके के क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक उसमें है, और आगे भी अलग अलग तरीके से करते जाएंगे. इस चीज़ को कहना मत भूलिएगा ताकि लोग उसे लें और सराहें उन लोगों को. जी ज़रूर, शुक्रिया.